नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के सेकंड रिजल्ट के बारे में, जो कि घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, अब कुछ विद्यार्थी यहां पर बोल रहे हैं कि हमारे जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉग इन हो रहे हैं तो वही लिखा आ रहा है जो पहले लिखा आ रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप क्वालिफाई होंगे तो ही आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, यदि आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप लॉगिन के बाद लिखा आएगा एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। दोस्तों, यहां पर जो विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे केवल उन्हीं का एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर किसका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होगा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि यदि आपके मोबाइल नंबर पर यूपी बोर्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आप क्वालिफाई हैं, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तभी जाकर आप यहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि एसएमएस नहीं आया है तो आप यानी डाउनलोड नहीं कर सकते, यानी कि आप क्वालिफाई नहीं हैं। तो दोस्तों, जो जितने भी 40,000 विद्यार्थी हैं उन सभी को यहाँ पर एसएमएस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी है यूपी बोर्ड ने कि आप क्वालिफाई हो गए हैं और आप अपना डीबी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप क्वालिफाई नहीं हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि दोस्तों आने वाला एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाला है और आप उसे एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके और आप पहले ही लिस्ट में आपका नाम आ जाए और क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों, आप यदि आपका सेकेंड रिजल्ट में भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप निराश नहीं होइए, क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत डली हुई है। दोस्तों, इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, आप दोस्तों बिल्कुल निराश नहीं होइए। दोस्तों, यदि जिन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आ गया है या डाउनलोड हो गया है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और दोस्तों जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है दोस्तों प्लीज़ भाई निराश ना होए। आने वा अगले नेक्स्ट मंथ में यूपी पुलिस का सेकंड एग्ज़ाम है जो होने वाला है, वहाँ पर आप अपना स्कोर अच्छा कीजिए ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा हो सके। तो दोस्तों, यदि आपके पास एसएमएस आया है कि आप क्वालिफाई हो गए हो और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तभी आप जाकर यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, अन्यथा आपका वही बताएगा लॉगिन इज नॉट अलाउड, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस हम यही जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते थे कि यदि आपका एसएमएस आया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आपके पास यूपी बोर्ड से एसएमएस नहीं आया है तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी हमारी तरफ से नया वीडियो या अपडेट आएगा वह आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।